तो कोरोना लॉकडाउन ने गरीब मजदूरों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यातायात के साधन बंद होने से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये लाचार पैदल जाने को मजबूर हैं। काम धंधे सब बंद हैं, खाने पीने के खर्च के लिए इनके पास पैसे नहीं। अब ये करे तो करे क्या, देखिए रिपोर्ट। आईटीओ के पास रिंग रोड सुनसान सड़क पर ये दर्जन भर लोग, ये लोग जो पैदल चल रहे हैं, इनमें महिलाएं हैं, इनके छोटे बच्चे हैं। बच्चे कुछ दूर पैदल चलते हैं, कुछ दूर उनके पिता एक एक करके गोद में बच्चों को उठाते हैं। गाजियाबाद से लोनी तक ये चले आ रहे हैं और पैदल इन लोगों को आगरा जाना है। कोरोना के लॉकडाउन की मार ऐसी पड़ी है कि काम धंधा बंद हो गया है, ना रोजगार बचा है ना पैसा बचा है। लोनी से लक्ष्मीनगर पहुंचे तो एक डीटीसी बस ने आईटीओ तक बैठा लिया। अब वहाँ पे बंद हो गई दुकान, वहाँ पे काम धाम है नहीं कुछ, अब क्या करें, खाली बैठे बैठे रोटी पानी के लाए है नहीं कुछ, ऐसा है। चलिए और कुछ नहीं है, वो जा रहे घर अपने पैदल पैदल, और क्या करें। कहाँ है घर आपका? आगरा से आगे है। तो कैसे जाएंगे अब? गाड़ी है नहीं कोई, अब क्या करें जी, पैदल पैदल जाएंगे सर। यहाँ आईटीओ तक कैसे पहुँचे आप? आईटीओ तो वहाँ से पैदल आए, फिर यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से हाँ थोड़ा सारे दिया उसने पैसे लिए। फिर तो क्या करें, मोदी ने सब कुछ बंद कर दिया, कुछ भी बिक नहीं रहा है खाने को, तो बच्चे क्या करें, काम धाम सब बंद कर दिया, मजबूर है क्या करें। तो ये तो आपकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, क्योंकि कोरोना भुता हाँ सज्ज, पर मजबूर आदमी है, खर्चा तो भी नन्हे, कन से कमाए कन से खवाए बच्चों, किराए पे रह रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े ये पांच दोस्त, दिल्ली के रिंग रोड से गुजरते एक ट्रक को हाथ देकर लिफ्ट लेने की कोशिश करते दिखे। सुनसान अंधेरी सड़क पर जहां दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, कोई रुकने को तैयार नहीं। ये सब कंझावला में मजदूरी करते हैं, किसी को झांसी जाना है, किसी को फतेहपुर, तो किसी को आगरा। हालात से डरे हुए कहते हैं कि सवारी नहीं मिल रही तो पैदल ही जाएंगे, कम से कम अपने घर जाकर तो मरेंगे, परिवार का मुंह तो देख लेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, डर तो है मतलब कोरोना लेके, बट मुझे पता है कि मतलब मैं अभी ठीक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के संग साथ गांव में रहूँ, और वहाँ पे मतलब जैसी भी है रूटी सूखी दाल रोटी जो है वो मैं मतलब खा के वहाँ ठीक रहेंगे, मतलब यहाँ से तो बेटर है मुझे, मेरे हिसाब से दिल्ली से गाँव में बेटर है। दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, कुछ खाने पीने के लिए कुछ घर से निकल नहीं पा रहे हैं, परेशान है, कमरे वाला किराए के लिए बोल रहा है। तो बोला तो नहीं, और जितना भी कमाया सब। तो कैसे आप लोग कैसे गुजारा करेंगे घर पे जाके अपने? अब घर बच्चों में तो मिल जाएंगे, बच्चों की तबीयत खराब है तो उनको देखभाल तो कर लेंगे, साथ में तो रहेंगे, एक हिम्मत तो मिलेगी उनको, साथ में पहुंचेंगे। तो अब जा रहे हैं यहाँ से, जैसे तैसे, भाड़ा मिलना नहीं है, साधन है नहीं है कुछ, पैदल जा रहे हैं यहाँ से। क्या करें सर जी, तो भूखे प्यासे मरने से ही अपने घर पे जाके मरे, अपने बच्चों के सामने मरेंगे, यहाँ भूखे मरने से फायदा क्या है, ना देखने वाला ना कोई रोने वाला, कम से कम उनके पास मरेंगे, कम से कम मुंह तो देख लेंगे जिंदा होते हुए। इस सबके बीच मदद के लिए हाथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऑटो चलाने वाले सुमित पैदल जाने वाले मजदूरों को बिना पैसे के लिए जहां तक हो सकता है वहां तक छोड़ देते हैं, साथ ही शिकायत भी कर रहे हैं कि ये काम सरकार को करना चाहिए। इंसानियत के नाते एक ड्यूटी है कि अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी अगर फंसा हुआ है तो मेरे को उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं निकला, मैं सिर्फ इनकी इंसानियत के नाते निकला हूँ कि मेरा कोई भाई बंधु अगर कहीं परेशान है तो मेरे को उसकी हेल्प करनी है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मोदी जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में तो आप सोच नहीं रहे। सर मैं सिर्फ इसलिए निकला था कि अगर कोई मेरा भाई बंधु परेशान है, मैंने अभी पीछे शादीपुर पे देखा वो 40 बंदों का ग्रुप इकट्ठा निकला। बाकी ये है कि मेरे जहाँ तक इंसानियत के नाते मैं इनको छोड़ सकता हूँ। अभी कहाँ छोड़ेंगे आप इनको? मैं इनको काले खान तक छोड़ूंगा, अगर ये कहते हैं तो मैं इनको आनंद विहार तक छोड़ सकता हूं, क्योंकि यूपी बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकता। कोरोना का खतरा बड़ा है, लेकिन ये लोग सरकारी रवैये से मायूस हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक दूर जाने का कोई साधन नहीं। खतरा ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का माइग्रेट करना कहीं कोरोना को और हवा ना दे दे, ये लोग भी डरे हुए हैं। ज्यादातर इसी इरादे से अपने घर और गाँव लौट रहे हैं कि अगर मरना ही है तो अपने परिवार, अपने घर वालों के बीच जाकर मरेंगे। संजय वर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।